लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर जिला के लिए मजदूरों को छोड़ने के लिए जा रही एक निजी बस को लेकर निजी बस ऑपरेटरों की शिकायत पर उक्त पायल बस सर्विस के मालिक ने अपना पक्ष रखा है। पायल बस सर्विस के मालिक अश्विनी शर्मा ने मीडिया के सामने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन के पास सभी मजदूरों की सूची है और किस बस में कितने मजदूर में कितना किराया देकर गए हैं, ये सारी जानकारी उपलब्ध है, इसकी कोई भी जांच करवा सकता है। मैं इस खबर का जोर खंडन करता हूं और मैं प्रशासन से ये गुहार लगाता हूं कि जो भी गाड़ियां जिला बिलासपुर से मजदूर लोगों को छोड़ने के लिए उनके गंतव्य तक गई हैं, उनका सारा रिकॉर्ड प्रशासन के पास है। प्रशासन उस रिकॉर्ड को खंगाल के ये पता करे कि कौन सी गाड़ी कितने पैसे पे गई है। हमने COVID-19 में इन मजदूर लोगों को बिल्कुल कम रेट पे हमने सर्विस प्रोवाइड करवाई है और हमने इनकी मजबूरी का बिल्कुल फायदा नहीं उठाया है। जो लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो बस ऑपरेटर इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ और उनको मैं मीडिया की तरफ से एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, इसको ना किया जाए। ये गरीब लोग हैं, इस वक्त मजबूरी में हैं और ये गलत भ्रांतियां मीडिया के द्वारा ना फैलाई जाए। अश्विनी शर्मा ने कहा कि मजदूरों की मजबूरी का फायदा हमने कभी नहीं उठाया है और जो बस वाले गलत बयान दे रहे हैं उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय गलत भ्रांतियां भी ना फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सस्ते रेट में बसें उपलब्ध करवाई है और लोगों की मदद के लिए हमेशा वे तत्पर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि इस समय गलत भ्रांतियां ना फैलाएं और मजदूरों का शोषण ना करें। और मैं जो एक मीडिया कर्मचारी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाया है उसका भी खंडन करता हूं। वो भी एक बस टूर ऑपरेटर हैं, जो मेरे कॉन्टेक्ट में टूर ऑपरेटर की उससे ही आए हैं और उन्होंने हमारी हेल्प की है और मजदूरों को छोड़ने के लिए भी बसें जो प्रोवाइड कराई हैं अच्छे और सस्ते रेटों पे। और मैं अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट के और हिमाचल के बस ऑपरेटर हैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि ऐसी गलत भ्रांतियां ना फैलाएं और इन मजदूरों को कम से कम रेटों पे घर पहुंचाया जाए, जिससे ये हिमाचल में दोबारा भी आने की स्थिति में रहें और हम लोगों का भी विश्वास इन पे बना रहे। इसका प्रशासन से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जिससे दूध से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया जाए।